भारी की चुभी द हिंदू वो कैब्स हैं वो उनको हम आज देखने वाले हैं। तो देखो पहला पार्ट जो हमारा था वो है क्या है, डिस्क्लोज। क्या आ जाता है, डिस्क्लोज। ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रकट करना, यानी किसी चीज़ को रिवील करना। ठीक है, जिसको स्टैचू होता है तो उसको रिवील करते हैं तो वो बोलते हैं रिवील, प्रकट करना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, डिवुल्ज, डिवुल्ज इसका सिनोनिम्स और टेल भी इसका सिनोनिम्स होता है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्सील। क्या हो जाएगा, कॉन्सील। ठीक है, दे डिस्क्लोज्ड हर नेम टू द प्रेस, यानी कि उन्होंने प्रेस के सामने उनका नाम क्या किया, डिस्क्लोज्ड किया, यानी उनको बताया। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस क्या है, एक वर्ब एडजेक्टिव है और इसका मतलब वो क्या होता है, गुड, गुड। ठीक है, ये वो गुड़ नहीं है, ये गुड़ है। ऑब्स्क्योर करना हो जाएगा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते तो आर्कैनियन इसको सिनोनिम्स हो जाएगा और एक और हो जाएगा इसको सिनोनिम्स, वो है एस्टोरिक, एस्टोरिक। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका, क्लियर इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक और की जो अगली बात करते हैं वो है इंड्यूस। देखो इंड्यूस मतलब होता है कारण बनना, एक वर्ब है इंड्यूस, इंड्यूस, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड, इसके तीनों फॉर्म हो जाते हैं। अगर कारण बनना मतलब ब्रिंग अबाउट मतलब भी यही होता है। ठीक है, अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो ब्रिंग ऑन या फिर कोज, कोज मतलब भी कारण होता है और इंड्यूस मतलब क्या हो जाएगा, कारण बनना। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करते तो प्रिवेंट, क्या हो जाएगा, प्रिवेंट। ठीक है, मतलब नॉन ऑफ दीज मीज़र्स इंड्यूस्ड ए चेंज ऑफ पॉलिसी, इसमें से ऐसा कोई भी मीज़र नहीं है जो पॉलिसी को चेंज करने का कारण बने। ठीक है, यहाँ पर है फैक्चुअल, फैक्चुअल यानी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है क्या, वास्तविक। क्या हो जाएगा, इसका मतलब वास्तविक और ट्रथफुल भी हम इसे बोल सकते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रू, ट्रू यानी सत्य, वास्तविक, एक्यूरेट यानी भी वास्तविक, और यहाँ पर इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो है फिक्सीसियस, फिक्सीसियस। ठीक है, अगर हम इसके नेक्स्ट की बात करते हो, नेक्स्ट आ जाएगा श्योर। कल हमने एक और वर्ड शोर पढ़ा था, आपने जिसने भी वीडियो देखी होगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका मतलब जरूर बताइएगा। शोर भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, मतलब पीड़ादायक और या फिर बोल सकते हैं हर्टिंग। ठीक है, या फिर हर्ट सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, हर्ट, और एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो है एचिंग। ठीक है, और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका हेल्थी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सी वाज सफरिंग फ्रॉम ए श्योर थ्रेट, यानी कि वह एक श्योर थ्रेट यानी एक पीड़ादायक थ्रेट से गुजर रहा था या गुजर रही थी। अगर हम डेफी, डेफी यानी एक वर्ब है डेफी, और डेफी का मतलब होता है अवज्ञा करना और इसी को हम लोग बोलते हैं डिसओबे, यानी अवज्ञा करना मतलब किसी भी आज्ञा का पालन ना करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके गो अगेंस्ट यानी उसके विरुद्ध जाना, और या फिर हो जाएगा फ्लॉट, फ्लॉट यानी भी डेफी होता है यानी कि अवज्ञा करना। ओबे, ओबे यानी क्या हो जाएगा, पालन करना। ठीक है, अब देखो अंडरमाइन, अंडरमाइन यानी क्या होता है, एक वर्ब है ये, इसका मतलब होता है छिन्न करना, मतलब तार तार कर देना किसी चीज़ को, अंडरमाइन, और या फिर इसको हम बोल सकते हैं सबवर्ट, सबवर्ट भी हम इसे बोलते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो इसके जो सिनोनिम्स है वो हो जाएंगे सेबोटेज या थ्रेटन, सेबोटेज या थ्रेटन, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके क्या हो जाएंगे, इनहेंस। योर मिस्टेक्स, एग्जाम्पल है योर मिस्टेक्स कुड अंडरमाइन ईयर्स ऑफ योर हार्ड वर्क, आपकी कुछ मिस्टेक्स ही आपके बहुत सालों के हार्ड वर्क को छिन्न कर सकती थी। ठीक है, अगला है डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट एक नाउन है और इसका मतलब होता है बेचैनी, लाइक कभी कभी बेचैन हो जाते हैं ना अचानक कुछ हो जाता है तो, और इसी को हम बोलते हैं अनीस, अनीस। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका अनीसीनेस या फिर बोल सकते हैं वरी, और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका क्या, काम यानी शांत। ठीक है, और इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब होता है नीतिहार्थ या फिर हम इसको बोल सकते हैं सजेशन। ठीक है, आप इसको मत पढ़ना, कोई ये नहीं आने वाला है यहाँ पर। अगला है हमारा डिस्पैरेट, डिस्पैरेट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है असमान, असमान मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो डिस्पैरेट मतलब भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट या असमान, कॉन्ट्रास्टिंग जिसे हम बोलते हैं ना कॉन्ट्रास्टिंग वो, तो यहाँ पर देखो डिफरेंट या डिफरिंग हो जाएगा। होमोजीनस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि डिस्परेट मतलब होता है असमान और होमोजीनस मतलब होता है तो पूरा समान। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।